तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने बीते साल सुपर 30 और वॉर जैसी सुपरहिट फिल्में देकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इन दोनों फिल्मों के बाद ऋतिक रोशन के तमाम फैंस अभी तक उनकी अगली फिल्म के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्टर ने चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन अब बहुत जल्द क्रेश 4 शुरू करेंगे, जिसे उनके पिता राकेश रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं। वही दोस्तों, अब क्रेश 4 के अलावा ऋतिक रोशन का नाम एक और फिल्म के साथ जुड़ रहा है, जिसे वॉर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बनाने वाले हैं। दोस्तों, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की ताजा रिपोर्ट की माने तो सिद्धार्थ आनंद ने अपनी अगली फिल्म के लिए ऋतिक रोशन से बात कर ली है, जिसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। दोस्तों, इस सूत्र ने पोर्टल को बताया है कि सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट ऋतिक रोशन को सुना दी है और उन्होंने सिद्धार्थ को हरी झंडी दे दी है। वॉर की तरह ये भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें दर्शकों को डुग्गू का स्टाइलिश अवतार देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, इस फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर शूट किया जाएगा। इससे पहले ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद बैंग बैंग और वॉर के लिए हाथ मिला चुके हैं, और इस बार भी वो दर्शकों को स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर से दीवाना बनाने वाले हैं। वही दोस्तों, ऋतिक ने इस फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है और सिद्धार्थ आनंद ने आगे का काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म आखिर कब शुरू होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए साइन किया है। जैसे ही वो इसे खत्म कर लेंगे, वैसे ही ऋतिक रोशन की फिल्म का काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े एक करीबी सोर्स ने बताया, सिद्धार्थ आनंद रिसेंटली स्टार्टेड शूटिंग फॉर पठान विद शाहरुख खान इन मुंबई, एंड द डायरेक्टर विल बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन दिस फिल्म टिल दिवाली 2021 वीकेंड। राइट आफ्टर द रिलीज ऑफ पठान, ही विल जंप ऑन टू डायरेक्टिंग फाइटर फॉर ऋतिक रोशन। यानी दोस्तों, ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म का टाइटल होगा फाइटर, और इस फिल्म की शूटिंग साल 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू की जाएगी। वही दोस्तों, इस सोर्स ने आगे बताया कि सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म की कहानी ऋतिक रोशन को वॉर की शूटिंग के दौरान ही सुना दी थी, और ऋतिक रोशन को इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई। तो दोस्तों, वैसे में बैंग बैंग और वॉर के पास आपको सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की जोड़ी तीसरी बार धमाल मचाती नजर आएगी, और खबरों की माने तो अब बहुत जल्द ऋतिक और सिद्धार्थ के इस फिल्म की ग्रैंड अनाउंसमेंट की जाएगी। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।